अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्राइफल। तो उसके लिए मैं कस्टर्ड बनाने लगी हूँ। तो कस्टर्ड, ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, ये हमारा बॉयल हो रहा है और मैंने इसमें से थोड़ा सा ठंडा दूध निकाल लिया था। ये मैंने इस साइड पे थोड़ा सा ठंडा दूध निकाला है। ये मैंने दूध लिया था 1.5 किलो, उसमें से मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध निकाल लिया है। इसमें मैं ये वनीला कस्टर्ड है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये कस्टर्ड मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं देखती हूँ इसमें और ज़रूरत है डालने की, जितनी ज़रूरत है आप उतना डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मैंने इसमें आधा पैकेट डाल दिया कस्टर्ड का और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा सा इसके साथ लग गया चम्मच के साथ, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, 1.5 किलो दूध है। ये हमारा 1.5 किलो दूध है, इस पे मैं 1 पाव चीनी डाल रही हूँ। ये हमारी चीनी है, ये मैंने 1 पाव ली है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और साइड से जो लग रहा है इसको उतारते जाना है। दूध को मैंने हल्की आग पे रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा कट जाए। अब जो मैंने ये वनीला कस्टर्ड लिया है वो मैं इसके अंदर डालूंगी। ये हमारी चीनी मिक्स हो गई है, ये जो मैंने कस्टर्ड लिया है इसको मैंने मिक्स किया था, अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हमने हाई कर देना है। ये हमारी चीनी मिक्स हो गई है, अब हम इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता करके कस्टर्ड डालते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। ये हमें जितनी मिकदार में चाहिए हम उतना इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये इसमें सारा डल जाएगा। ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है, ये पकने पड़ गया है, इसको थोड़ा सा पकाना भी है ताकि इसका टेस्ट सही हो जाए। ये देखिए ये थिक हो गया है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड तैयार है, अब मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है, ये देखिए इसको हमने गाढ़ा इसलिए बनाना है कि इसके अंदर फल डलता है ना, तो जो फल है वो पानी छोड़ देते हैं, तो फल को हम डालेंगे जब कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें फल डालेंगे और हम इस कस्टर्ड को गाढ़ा बनाते हैं ताकि ये सही रहे। ये हमारा कस्टर्ड तैयार है, ये हम फ्लेम ऑफ करने लगे हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ जेली। तो इसके लिए मैंने 2 ग्लास ये 2 मगे पानी के लिए हैं। तो ये जब हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो फिर ये मैंने 1 पैकेट जेली का लिया है, ये वाला, ये मैं जेली इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 पैकेट मैंने ये लिया जेली का, जब हमारा पानी बॉयल होने लगे तो ये जेली फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हाई रखना है
या मीडियम कर ले। देखिए हमारा पानी बॉईल होने लगा है, इसके अंदर ये हम जेली का एक पैकेट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने जेली इसके अंदर डाल दी है और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसके अंदर हमने और कुछ नहीं डालना, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। जब पानी पकना शुरू हो जाए तो ये जेली का पैकेट इसके अंदर डाल देते हैं, और फिर जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें, ये हमारा पानी अब पक रहा है, जेली हमारी पक रही है। ये देखें, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि जो जेली हमने डाली है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, हमारे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और जेली हमारी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकालेंगे, जेली को अच्छी तरह से हमने पकाना है। ये देखें, हमारी जेली पकना शुरू हो गई है। ये जेली बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चों को वैसे भी अगर आप बना कर दें तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। ये मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ और हम इसको अब डिश आउट करते हैं। ये मैं सारी जेली इसके अंदर निकाल रही हूँ। ये देखें, ये मैंने सारी जेली इसके अंदर निकाल दी। अब इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो मैंने इनमें बॉल्स में निकाल ली है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, इसको भी, ताकि ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। हमने जेली भी बनाई है वो भी मैंने फ्रिज में रख दी है, और ये मैं कस्टर्ड भी फ्रिज में रख दूंगी। ये ट्राइफल जितना ठंडा होगा उतना ही आपको मज़ा आएगा, इसको ठंडा करके खाएं आप। इसके लिए अब हमें फल भी चाहिए, और क्रीम का मैंने एक पैकेट लिया है, ये क्रीम का लिया मैंने पैकेट, एक क्रीम का लिया है पैकेट, ये भी आपने इसके अंदर डालना है। और ये मैंने केले लिए हैं, ये मैंने केले लिए हैं, केले आपने लेने हैं, आम लेने हैं, खुरमनी है, मेरे पास तीन फल है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर और भी चीज़ें डाल सकती हैं, अंगूर भी डाल सकती हैं, मेरे पास अंगूर नहीं है, मैं ये तीन फलों का बनाने लगी हूँ ट्राइफल। तो इसको अब हम कटेंगे, केलों के हमने छिलके उतार देने हैं। केलों के हम छिलके उतार के इसको हम इस तरीके से ये हम छिलके उतार के हम इस तरीके से इसको काट लेंगे। ये सारे केले हमने इस तरीके से काट लेने। व्यूअर्स, ये इतने मजे का बनता है ट्राइफल, आप बच्चों को, बड़ों को, सबको घर में जरूर बना के खिलाएं, ये बहुत मजे का बनता है। लेकिन एक बात है कि इसको आपने ठंडा करके खाना है, अगर ये ठंडा होगा तो फिर आपको मजा आएगा खाने में। इसको आप फ्रीजर में रख सकती हैं, फ्रीजर में रख दे 2-3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इस तरीके से हमने सारे केले काट लेने हैं, 6-7 केले लिए हैं मैंने, ये सारे केले मैंने काट देने हैं इस तरह से।
हमारे सारे केले कट गए हैं। देखिए इस तरह से आपने सारी हरमानियां काट लेनी। ये देखिए ये हमारी जेली तैयार हो गई है। इसके मैं छोटे छोटे से क्यूब काट रही हूँ। इस तरीके से आपने भी इसके छोटे छोटे से क्यूब काट लेने। ये इसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब काट लिए हैं। ये इस तरह हो गई है। क्यूब काटने के बाद ये इस तरह की हो जाएगी। ये देखिए इस तरह क्यूब बन गए हैं इसके। इस तरीके से आपने इसके सारे क्यूब्स बना लेने हैं। ये मैंने क्रीम ली है। ये हमारे पास क्रीम का एक पैकेट है। ये मैंने शुगर ली है, शुगर पाउडर। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए ये सारा शुगर पाउडर ये हम क्रीम के अंदर डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी इसके अंदर मिक्स नहीं होती। कोशिश करें आपके शुगर पाउडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर चीनी करेंगे इस्तेमाल तो वो मुंह में आती है। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि जो हमने शुगर पाउडर डाला है वो क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए बस ये हमारी जो है शुगर पाउडर वो मिक्स होने वाला है। इसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। इस तरह हिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। ये कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। ये कस्टर्ड में अब हमने क्रीम डालनी है। कस्टर्ड को हमने ठंडा किया था। ठंडा करने के बाद ये हमने क्रीम डाल देनी है। क्रीम को भी हमने फ्रिज में रखा हुआ था। ये इस तरह करके आपने इसके अंदर ये क्रीम डाल देनी है। ये सब में आप इस तरह करके क्रीम डाल दें। ये देखें इस तरह हम इसके अंदर केले भी डाल देंगे। इस तरह हम सारे फैला देंगे केलों को, ताकि हर चम्मच में आपको इसका टेस्ट आए। देखिए मैंने इसके अंदर ये सारा केले इस तरीके से फैलाकर इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखें ये मैंने इनके ऊपर केले डाल दिए हैं। अब ये मैं हरमानियां डालने लगी हूँ इसके ऊपर।
आप इसके अंदर अंगूर अनारदाना तो नहीं डाल सकते, इसके अंदर अंगूर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसमें अच्छे लगते हैं। ये देखे मैंने इसके अंदर कुरमानिया डाल दी हैं। आप इसको घर में ज़रूर बनाइए, ये बहुत मज़े का बनता है ट्रैफल। ये देखिए ये हमारा सारा तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर जली डालेंगे। ये भी इसके अंदर इस तरीके से सारे डाल देंगे ताकि इसका भी टेस्ट आए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड इसके ऊपर फिर डाल देंगे। सारा फल डालने के बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड और डाल देंगे। ये मैं इसके ऊपर कस्टर्ड और डालने लगी हूँ। ये देखिए मैंने कस्टर्ड डाल दिया है, इसके ऊपर मैं और थोड़ा सा आम डाल दूंगी। ये आम मैंने इसके अंदर और डाल दिया है। कस्टर्ड को थोड़ा सा हम इस तरह कर देंगे। ये मैंने इसके ऊपर और आम डाल दिया है। ये इसके ऊपर मैं हरमानिया और डाल दूंगी। इस तरीके से आपने इसकी एक या दो तवे लगाकर इस तरह इसके अंदर चीजें डाल देनी है और इस तरह आपने सब तरफ डालनी है ताकि हर चम्मच में आपको टेस्ट आए। ये देखिए ये हमारा कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। इस तरीके से आपने घर में इसको जरूर ट्राई करना है। मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन, और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
ये अब जो क्रीम है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें इस तरह क्रीम भी इसके ऊपर डाल दी है। अब ये जेली है ये इसके ऊपर डाल देंगे। ये मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा शरबत ले लें या कोई रेड शरबत ले लें आप, ये थोड़ा सा इसके ऊपर आपने इस तरीके से डालना है। कोई शरबत भी आप ले लें लेकिन रेड कलर का ले लें। ये देखिए इस तरह जी। तो हमारी रेसिपी ये तैयार हो गई है, आप घर में इसको जरूर ट्राई करें। ये देखें ये मेरी बेटी कह रही है कि इसमें आप बिस्किट डालें, ये छोटे छोटे से होते हैं इस तरीके से, लव लेटर है ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये बाजार से मिल जाते हैं, ये देखें जी। तो व्यूअर्स ये देखें ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, आप घर में इसको जरूर ट्राई करें और आप घर वालों को बनाकर दें, ये आप सबको बहुत पसंद आएगी। और मुझे लाइक करना ना भूलें, अगर मेरी आपको ये अच्छी लगी है रेसिपी तो इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि